अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन का जरूर दबाइए, इससे क्या होगा आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजय, आप देख रहे हैं टेकएक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। एक हैकिंग टेक्निक है, हालांकि टेक्निकली इसे हैकिंग नहीं कहा जा सकता, एक आपका ब्रेन के साथ खेला जाता है सोशल इंजीनियरिंग में। मान लीजिए कोई एक आदमी आया, कुछ सेल करता है, वो आपके पास आता है और बताता है इसका क्या गुड क्वालिफिकेशन है, जो वो सेल कर रहा है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो आपको ऐसे समझाएगा कि आप वो खरीद लेंगे। तो क्या हो रहा है, आपके ब्रेन के साथ, आपके दिमाग के साथ यहाँ पर खेला जाता है। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, ये तो क्या एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, लेकिन हैकिंग में इसे कैसे यूज़ करते हैं, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो चुराया जाता है इस सोशल इंजीनियरिंग में। मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया, आपका आपको पूछता है कि मैं इस बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका जो अकाउंट है वो बंद हो सकता है, आप मुझे आपका जो कार्ड है उसका नंबर बताइए, या फिर आपका मोबाइल पर एक SMS जाएगा, उसको आप बताइए इससे क्या होगा आपका अकाउंट नहीं बंद होगा। लेकिन इससे क्या होता है, हो सकता है वो किसी तरह से आपका जो बैंक का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो कलेक्ट कर लिया। कैसे हो सकता है, वो बहुत तरह से हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, फिशिंग अटैक से आप लोग आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो चुरा लिया। लेकिन अगर वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, और OTP लेने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का मदद लेते हैं। तो आपको फ़ोन करके बोलेगा कि आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, आप मुझे वो OTP बताइए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप तो नॉर्मली उसको वो OTP बता देंगे और आपका पैसे भी गायब हो जाएगा। ये तो सिर्फ बैंक के अकाउंट का जो एग्जांपल मैंने दिया, ये बहुत जगह पर हो सकता है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा ले, और भी बहुत हो सकता है। जैसे आप जानते हैं फिशिंग अटैक से फेसबुक हैक किया जा सकता है। मैंने अभी तक बताया नहीं फिशिंग अटैक कैसे करते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, मैं भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली फिशिंग अटैक कैसे करते हैं, बाद में दिखाऊंगा मैं, बहुत सारा और भी टॉपिक है उसको निपटा के, तो मैं फिशिंग अटैक के बारे में भी बात करूंगा प्रैक्टिकली। तो हो सकता है आपको फिशिंग अटैक करना चाहते हैं आपका फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड चुराने के लिए, तब फिशिंग अटैक का लिंक जो है आपके पास भेजना होगा। आपको वो जो लिंक है उस पर जाने के लिए भी सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया जाएगा। आपको एक मेल भेजा जा सकता है, हो सकता है मेल पर लिखा है कि आप अभी इस लिंक पर क्लिक करके लॉग इन कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप तो नॉर्मली जाकर उस पर लॉग इन करेंगे, लेकिन उस पर लॉग इन करने से क्या होगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड उस पर चला जाएगा। तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, दिमाग के साथ खेला जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, सब कुछ समझ के ही उसका आंसर दीजिए, कोई डिसीजन लीजिए। अगर कोई ऐसा फ़ोन कॉल आता है कि आपका कोई भी एक छोटा इंफॉर्मेशन को पूछते हैं, लेकिन आप उसको पहले समझ लीजिए, उसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, वो क्या चाहते हैं आपसे वो समझ लीजिए, आप पहले ठीक तरह से वेरीफाई कर लीजिए वो क्या चाहता है, उसके बाद आप आंसर दीजिए, उसके बाद आप आपका इंफॉर्मेशन दीजिए, तो ये आप हैकिंग से बच सकते हैं। नहीं तो आज के दिन में हैकिंग बहुत ही ईजी हो चुका है। हो सकता है कोई मेल आया आपको और आपने भी वो रिप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए वो मेल जो है किसने भेजा, वो वेरीफाइड सेंडर है या फिर नहीं, वो ट्रस्टेड सेंडर है या फिर नहीं, और जो सेंडर है उसका ईमेल आईडी क्या है। ईमेल जो है वो भी स्पूफ किया जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे ईमेल भी स्पूफ किया जा सकता है। भेजूंगा मैं ईमेल आपको, लेकिन आएगा कोई दूसरा एक ईमेल आईडी से और आपको दिखा कि ये तो ठीक ठाक है, वो भी स्पूफ किया जा सकता है। लेकिन उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जो SMS आते हैं, SMS पर भी आपको लिंक भेजा जा सकता है कि इस लिंक पर जाइए और यहाँ पर लॉगिन कीजिए, तो नहीं तो अगर आप लॉगिन नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन SMS भी स्पूफ किया जा सकता है, हाँ जी SMS भी स्पूफ किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, मैं सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और वो प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो ही आप मेरा जो सारे वीडियो देख पाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए, उनको भी जानने का मौका दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है पूछ डालिए कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।